चलिए अब उज्जैन से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंच चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन को लेकर ऑपरेटर से जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता से चर्चा भी की। बता दें शिकायत का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उज्जैन से। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचकर सीएम हेल्पलाइन को लेकर ऑपरेटर से जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्मार्ट सिटी कार्यालय में मौजूद हैं और सीएम हेल्पलाइन को लेकर ऑपरेटर से जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि उन्होंने शिकायतकर्ता से बातचीत भी की और शिकायत का त्वरित निराकरण करवाने का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी कार्यालय में मौजूद है मुख्यमंत्री और सीएम हेल्पलाइन ऑपरेटर से जानकारी ले रहे हैं। यहां व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और शिकायतकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि शिकायतों का त्वरित निराकरण समय समय पर किया जाएगा। बड़ी खबर बता रहा है आपको उज्जैन से। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं स्मार्ट सिटी कार्यालय में और शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने चर्चा भी की है। शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण कैसे करवाया जाए, इस पर मुख्यमंत्री का फोकस अब है। सीएम हेल्पलाइन द्वारा कैसे शिकायतकर्ताओं का, उनकी समस्याओं का निराकरण हो, इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिकायतकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन को लेकर ऑपरेटर से जानकारी लेते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से बातचीत भी की है सीएम हेल्पलाइन नंबर को लेकर कि समय समय पर शिकायतों का त्वरित निराकरण हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे हैं।